एमसी रिक्वायरमेंट 2023। सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे vmc.government.in/requirement। ये सर्च करेंगे तो सबसे पहले लिंक ऑफिशियल वीएमसी की होगी, उस पर हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जो ऑफिशियल पेज खुलेगा वो डायरेक्ट जो भर्ती है 5 उनका ही खुलेगा, तो हम उनकी PDF डाउनलोड कर चेक कर लेंगे कि कौन सी डिटेल हमको दी गई है। ये पूरा चैट है जो जाने के लिए दिया गया है, जो कौन सी फील्ड में कितनी जगह है और डेट और अंतिम डेट भी इसमें हमें बताई गई है और उसकी ऑफिशियल लिंक भी दी गई है और टोटल कितनी जगह खाली है वो भी हमें इस चार्ट में ही बताया गया है। फिर उसके बाद जो नीचे जो शैक्षणिक लायकात यानी कि एजुकेशन दिया गया है कि कौन सी जॉब कितने एजुकेशन पर हमें दी गई है, तो सबसे पहला है वो जो है HEC तक है और जो सबसे लास्ट है वो धोरण 4 पास भी रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, टोटल 5 जॉब की रिक्वायरमेंट हमें दी गई है और सब में सेम 74 जगह खाली है। और जो लास्ट में दूसरा पेज दिया गया है वो हमको जाहिरातनी सामान्य जोगवायो जनरल नोटिस हमें बताई गई है कि कौन सी नोटिस है, शैक्षणिक माहिती और वो भी सब कुछ है और टाइम और वो भी सब कुछ है। फिर हम बाहर निकलेंगे और अप्लाई ऑनलाइन पर हमारी रिक्वायरमेंट पर हम क्लिक करेंगे और जो पेज खुलेगा वो फॉर्म फिलअप का पेज है। अपना अपना पर्सनल बायोडाटा हमें डालना है और फिर एड्रेस डालना है, फिर हम कहाँ तक पढ़े वो भी डालना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।